बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव सहित तेजस्वी की यात्रा और झारखंड विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के यात्रा पर भी कटाक्ष किया है और कहा है, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, आइए सुनाते हैं। यात्रा देश में कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं, राज्य में भी कर रहे हैं, यात्रा करते तक करते थक जाएंगे। बिहार की जनता उनको विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है और विपक्ष का जो दायित्व होता है बिहार के जनता का सवालों को उठाना, उनकी समस्या के हल के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना, एक भी नहीं कर रहे हैं। विदेश में घूम रहे हैं, दुबई में घूम रहे हैं, तो इस तरह से घूमने के लिए जनता ने विपक्ष का नेता नहीं चुना है। आने वाले चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना अपना संवैधानिक अधिकार है और उस अधिकार के तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, कोई चुनाव लड़ते हैं, कोई सामाजिक राजनीति संगठन चलाते हैं। सब को संविधान में प्रदत्त शक्ति है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसका प्रयोग करते हैं, इसमें कहाँ किसी को इतराज है। देखिए, इस बार 4 की 4 जीतेंगे और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में जो बिहार में काम हुआ है, इसका लाभ हर तबके को मिला है, हर वर्ग को मिला है, हर समुदाय को मिला है। कोई किसी को छोड़ कर के नहीं, सबको लेकर चला गया है। देश का पहला राज बिहार है जहाँ पर हर घर में सरकार का सुविधा साधन पहुँचाया गया है और विकास की रफ्तार को सिर्फ तेज नहीं की गई है, बिहार विकास की रफ्तार को बढ़ाकर हर गांव को स्मार्ट बनाया गया है, सुंदर बनाया गया है। शहर से सुंदर अब गांव दिखने में लग रहा है। ये जब ये काम हुआ है तो बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ा होगी और उम्मीदवार तो बहुत सारे रहेंगे, चुनाव में खड़े होंगे, लड़ेंगे, सब अपना अपना किस्मत का आजमाइश करेंगे। जनता जिसको जनादेश देगी, जनता जिसको अपनाएगी, वो सिकंदर होगा। हम लोग तो पहले से, हमारे नेता ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार झारखंड में हम लोग एनडीए के साथ लड़ेंगे, मिलके चुनाव लड़ेंगे और अभी तक उसी दिशा में कार्रवाई चल रही है। कितनी सीटें होंगी सर, आपकी घोषणा हो गई? नहीं, हम लोगों ने तो 11 सीट का मांग रखा है और बातचीत चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल से पड़ेगा तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुला करके बताएंगे कि कितने सीट पर लड़ेंगे, कितने उम्मीदवार लड़ेंगे। सभी जो सीटें हैं उसके बारे में तय की जा रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय कर रहा है और जब तय हो जाएगा तो विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आपने सुना, मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव लगातार विदेश का भ्रमण कर रहे हैं और ऐसे में जो राज्य की जनता है वो जान चुकी है कि जो उन्हें सरकार में तो नहीं आने दी और विपक्ष में रहने का मौका दिया, लेकिन अब विपक्ष से भी वो नदारद दिख रहे हैं। ऐसे में राज्य की जनता उन्हें आने वाले समय में भारी नुकसान पहुंचाने वाली है, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को खुद देखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर होने वाली उपचुनाव में एनडीए को 4 सीटों पर जीत होनी तय है और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी वो एनडीए के साथ मिलकर के जेडीयू चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।